गौघाट मोहल्ले में रात को एक घटना घटित हुई है। ये सनोज शर्मा और नानू द्विवेदी दोनों आपस में मित्र थे और दोनों शाम को ही घर से एक साथ ही गए थे। शराब के नशे में रात को वैभव द्विवेदी उर्फ नानू ने जो गोबर हटाने वाली फरवी है उससे सनोज के सर पे वार कर दिया, जिसे सनोज की मौके पर ही डेथ हो गई। घटना के पीछे कोई रंजिश नहीं बताई जा रही है। दोनों आपस में मिलने जुलने वाले अच्छे दोस्त थे और कल शराब के नशे में ही घटना हुई है। घटना के बाद अभियुक्त वैभव द्विवेदी उर्फ नानू के पिता ने ही थाने पर फोन किया। पुलिस वहाँ पर गई, वैभव द्विवेदी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस घटना में एक मोनू नामक व्यक्ति का भी भूमिका आ रही है। मोनू की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। मृतक सनोज के पुत्र आलोक की तहरीर पर 302 IPC में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो जानकारी की गई है, दोनों पक्षों के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, उठते बैठते साथ घूमते फिरते थे। शराब के नशे में एक घटना घटित की गई।